शुभ शंभु। ओम शं ओम शं ओम शं शुभ शंभु। ओम शं ओम शं ओम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पठानकोट पहाड़ी वाला मंदिर। तो मम्मी का आशीर्वाद ले आया हूँ मैं सुबह सुबह। अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो रमन के साथ मैं जा रहा हूँ। देखेंगे अगर टाइम लगेगा तो उधर मैं काठगढ़ भी जाऊँगा, और भी 2-3 मंदिर है। सब मंदिर को दर्शन आपको एक एक ब्लॉग करके डालूँगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले रमन आ चुका, बस जा रहा हूँ उसकी तरफ ही। ये साथ में हेलमेट ले लिया, उसके पास पल्सर बाइक है, तो निकलेंगे। मज़ा आएगा यार, सुबह सारा मोहल्ला शांत बैठा है। तो अभी बस रमन बाहर ही खड़ा होगा, तो रमन के साथ पठानकोट के लिए निकलते हैं। आपको मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में रमन के साथ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस फाइनली हम मुकेरिया पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे खाएंगे हम चाय वगैरह, पियेंगे, फिर आपको मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। तो गाइस अब खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं बाइक उठाकर, फिर निकलते हैं पहाड़ी वाला मंदिर, उसे दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। आओ अब चलते हैं। गाइस फाइनली मैं पठानकोट पहुँच चुका हूँ। तो अभी बस यहाँ पे किसी दोस्त से मिलने के लिए आए हुए हैं, उसके घर पे रुके हुए हैं इस टाइम। तो बस फिर उससे मिल के हम निकलते हैं पहाड़ी वाले मंदिर, वही लेके जाएगा मुझे। फिर अब थोड़ी देर इसके पास बैठते हैं, फिर चलते हैं। A few moments later. तो हे गाइस, मैं फाइनली मंदिर पहुँच चुका हूँ। तो अभी मंदिर के अंदर जाएंगे, सारे दर्शन आपको करवाएंगे। पीछे मंदिर है और उधर भोले शंकर जी की बहुत विशाल मूर्ति बनाई हुई इन्होंने। आओ पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, फिर आप सबको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने मंदिर के अंदर के दर्शन कर लिए हैं। माता जी के बहुत ही अच्छे दिलचस्प दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शंकर जी के दर्शन है। बाहर भी हैं, बाहर के दर्शन मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगा। उनका एक बहुत बढ़िया शो करूँगा मैं, सिनेमेटिक शो आपको दिखाऊँगा। अभी आप शंकर जी के दर्शन करिए यहाँ पे, तो फिर आपको बाहर लेके जाते हैं। दोस्तों आपको दरबारों पे ऐसे ऐसे चित्र बने यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए हैं स्वामी जी के, नारायण जी के बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। जय माँ भवानी लिखा हुआ है दोस्तों बिल्कुल मंदिर के साथ में ही। ये पीछे आपके लिए बाथरूम वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे देख लीजिए शौचालय लिखा हुआ है, ये मंदिर के बिल्कुल साइड में है, आप अच्छे से देख सकते हैं। आइए अब मंदिर का लंगर हाल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ का लंगर हाल देखिए, सबको आराम से सफाई का ध्यान है। एक तो बैठा के आराम से आपके लिए कुर्सी लगाई रखती है, आप सभी आराम से खाना खा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अब आओ आपको यहाँ के शंकर जी के दर्शन करवाते हैं। देखिए दोस्तों देखने में कितने विशाल है ना शंकर जी, ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आज मैं करवा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से चरण से शंकर जी के शुरू होते हैं, ये काफ़ी बड़े यहाँ पे होते जाते हैं, बहुत ही विशाल रूप दिखाया गया। ये पीछे आप देखिए, एक मिनट, वो पीछे आपको शेषनाग देख जाएंगे बहुत ही अच्छे। तो आप सभी वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में हर हर बोले जरूर लिखते रहें। यार दोस्तों शंकर जी का चरण देखो कितना बड़ा रखा हुआ है, इतना में मेरा पूरा शरीर ही होगा। ये देखिए टांग भी कितनी अच्छी रह गई। आओ अब एक बार आपको पूरा मंदिर का शॉट दिखाता हूँ मैं।
तो दोस्तों ये पूरे मंदिर का शॉट देख लीजिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये पूरा मंदिर मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कहाँ पर स्थित है। ये आपको मिलेगा पठानकोट के बिल्कुल पास में ही। यहाँ से पठानकोट 1 या 2 किलोमीटर है, उसके पीछे ये मंदिर बहुत बड़ा आपको मिल जाएगा। ये देखिए विशाल रूप शंकर जी का दिख रहा है और अंदर दुर्गा माँ के दर्शन बहुत अच्छे हैं। इसको वैसे तो पहाड़ी वाला मंदिर भी कहते हैं और दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ स्टोरी वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। देख लीजिए पीछे आपको दिखाया प्रसाद कैसे खा रहे हैं सभी, तो बहुत दूर दूर लोगों से आते हैं। मेरी इच्छा है कि आप भी एक बार यहाँ पे आओ, दर्शन कीजिए। तो आप एक बार ना शंकर जी के सिनेमैटिक शॉट देखिए, आइए आपको शंकर जी के सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। तो यही था आज के दर्शन, आप सबको मैंने करवा दीजिए। पीछे शंकर जी के दर्शन करवाए, अंदर दुर्गा माँ जी के दर्शन करवाए। तो यार अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, शंकर जी के दर्शन या दुर्गा माँ के अच्छे लगे हो, तो वीडियो में कमेंट में जय भोलेनाथ लिख देना, जय माता दी लिख देना, राधे राधे लिख देना, और जो आपका दिल करे वो लिख देना, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करवा देना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग अमेजिंग दर्शन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छे मंदिर के साथ, दर्शन करवाने के बाद। तब तक के लिए राधे राधे, श्री अरदास, भोले की फौज करेगी मौज। साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।